Hi guys, the wait is over and the paper of MEG6 is here. So paper, आप लोगों paper कौन सा sir जो इस बार आने वाला है दिसंबर क्या इस paper के जैसा paper होगा? Exactly इस paper के जैसा paper होगा, थोड़ा सा फर्क हो सकता है, seriously थोड़ा सा फर्क. उसके लिए अगर तुम mock test series the mock test in the MEG6 complete कर लो, I challenge एक question ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा. तो सर क्या यहाँ पे shortcut to success की वीडियोस हैं? यस दिस इज शॉर्टकट्स टू सक्सेस. आप अपना शॉर्टकट को कैसे डिलीट करते हैं और हम कैसे जान पाएंगे एंड हाउ गोइंग टू द मास्टर लिस्ट, इस क्लास को पूरा देखना गाइस. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार वीडियो पे, तो यार प्लीज वीडियो को पूरा देखना और पूरा देखने के बाद डिफाइन करना कि ये वर्थ था या नहीं. वर्थ लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ये बटन सीधे सी वाला बटन जिसको लाइक वो प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन बटन प्रेस करना भूलना क्योंकि वहीं से सारी वीडियोस नोटिफिकेशन मिलेगी. टाइम नहीं खराब करते, डिस्कस करते हैं पेपर को. ये पेपर से जो आप लोगों ने बनाए हैं, तो आपने कहा सर यहाँ पे हम MEG1 से देख रहे हैं, MEG1 से लेके 10 तक आपने क्लियर कर लिया, ऑलमोस्ट सिर्फ 6 मिसिंग था. तो आप 6 की बात कीजिए एंड वी आर हियर विद द 6. तो आपने कहा फर्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग, याद रखना यहाँ पे क्वेश्चन 1 कंपल्सरी हो गया, देयर इज नो चॉइस इन क्वेश्चन 1, वो कंपल्सरी होगा. बाकी में हाँ आप लोग कोई भी ऑप्ट करते हैं बाकी चार. तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, लेट्स स्टार्ट द क्लास. पहला तो अगर आप लिखना चाहें तो पहले लिख सकते हैं, उसके बाद मैं बोर्ड पे लिखूंगा. डिस्कस द एमर्जेंस ऑफ क्लैश, आई रिपीट द क्वेश्चन, डिस्कस द एमर्जेंस ऑफ क्लैश बिटवीन ट्रेडिंग इंटरेस्ट एंड पैटर्निज्म. सब पैटर्निज्म पे 100% क्वेश्चन होगा, 100% अभी के अभी दिमाग में लो. Discuss the emergence of clash between trading interest and patternism in America in the 17th century. So I write down here on the board for you guys, ताकि आप लोग इसे लिख पाएं. Discuss the emergence of clash between trading interest and patternism in America in the 17th century. तो ये तो क्या है, पहला क्वेश्चन जो आपको करना ही करना है, मतलब कंपलसरी है, इसमें कोई चॉइस नहीं कि आप स्किप कर देंगे. इस पेपर में ऐसा है कि पहला क्वेश्चन कंपलसरी होगा. गाइस कम अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. अब आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट 8 क्वेश्चंस, सीरियसली 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें कोई 4 आपको करने हैं. तो यार हमें तो चॉइस है. द क्वेश्चन नंबर 2, how do you account, I repeat, how do you account the Piccola's law, self-esteem and her quest for the blue eyes. तो यहां दिमाग में बांध दो कि blue eye का क्वेश्चन आना ही कंफर्म है. तो फर्स्ट बुक का क्वेश्चन आना ही, ये तो हम सब जानते हैं, पैटर्न क्वेश्चन आते हैं. देन ब्लू आईज कंफर्म है कि यहां से ही क्वेश्चन है आपका, तो ब्लू आईज को ऑन टिप करना है. अब ब्लू आईज की वीडियो आपको कल मिल जाएगी. यहां नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, and I hope ये question आपको आना चाहिए. How do you account for the Piccola's low self-esteem and her quest for the blue eyes? Sir, Piccola का character से on tip होना चाहिए, इसको समझ लेना, ये आपके लिए बहुत long road देगा in this particular paper. Then come up to the third question, discuss
death of a salesman as a tragedy. I repeat, discuss death of a salesman as a tragedy. Here we are coming to the question. Discuss death of a salesman as a tragedy. This was the third question जो हमें आना चाहिए और most probably ये आप लोग करके जाएंगे क्योंकि ये question confirm है. इस समय clear कर दूँ मैं जो last video दूँगा expected video वहाँ भी दूँगा. Then we are having question number 4. What does Hawthorne? Sorry करें ना था. What does the Hawthorne focus upon the citizens? I repeat. What does Hawthorne focus upon the criticize in the sacred letter? सर किस को criticize किया उसने? अब sacred letter हमें on भी होना चाहिए. सर blue आया हो गया हमारे पास ज़्यादा उसे salesman हो गया. Then the sacred letter लगातार लिखते जाना यहाँ side पे. ये question नहीं, ये कुछ topics हैं जो आपको on भी होना चाहिए. तो here so guys, this was the fourth question. Time to discuss the fifth one, and this is something different. Robert Frost की poetry की आपने नहीं की तो उसकी poetry को सबसे ऊपर रखना. Robert Frost लगातार repeat होता है MG6 में guys. तो उसकी गिनती ही 3 से 4 poetry post के अंदर उनको आंतरिक कर लेना. Here we are coming. What are the significant features of Robert Frost poetry? पहला लगा उसका significant feature. Robert Frost की poetry में significant features क्या होते हैं? पहला. Secondly, answer with a special reference to Mending Wall. सर मेंडिंग वॉल ऑन टिपोलॉजी ये वही वॉल है जो फेंसेस क्रिएट किए गए थे. कब किए गए, क्या चेंजेस थे? रिमेंबर द पोएट्री, प्लीज डू दिस पोएट्री ऑन अ फर्स्ट प्रायोरिटीज. सो हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 5. So guys, these are the first 5 questions from the first mock tests for MVG6. आगे के 3 questions के लिए पहले आप उनका screenshot लेने ताकि जब मैं सॉल्व कर दूं तो आप लोगों को कोई problem ना हो. तो guys, I hope अभी तो screenshot ले लिया होगा. Now time to drop all these and move to the remaining 3. Here we are coming to the next part. Question number 6. Discuss the theme of the annotations in Faulkner, the Bear. So Bear, ये तो short story का नाम है. सर इसको short story कहें या novel जैसा, novel जैसा ज़्यादा appropriate होगा. लेकिन सर इसमें ना themes पे ध्यान देना. तो themes रूल रूल करते हैं हर question में. So here the question number 6. Discuss the theme of initiation
and the beer. Time to move towards the next question, question number 7. A question on the camera, guys. Comment on the theme or the best. Stephen points. The emperor of ice cream. The emperor of ice cream. So, poetry se do question aate hain. Ye dimaag mein lena. Aapke dimaag se utar jayegi. Paper ka pattern lagane ka sirf aapko reason ye hai कि आपको पता चल जाएगा कि पहला क्वेश्चन फर्स्ट बॉक्स से आना है, पोएट्री से दो क्वेश्चन आने हैं, फिर हमारे पास यूआई का क्वेश्चन कंफर्म आना है, डेथ ऑफ द सेल्समैन आने आना है। तो गाइस मैं बार-बार रिपीट करूंगा, तो आप लिखते रहें तो बेटर रहेगा। हियर वी आर हैविंग कमेंट ऑन द थीम ऑफ Well, Stephen one the emperor of ice cream the emperor of ice cream I hope aap logon ne answer kar liya hoga nahi kiya to abhi abhi point utha lena Robert Frost pehle karna hai fir baki poets ki list karna hai Then here we are having the question number 8, the last question of this mock test series. Yes, the first part of mock test series. Here, bring out the significance of the three scaffold scenes in narrative of Scarlet Letters. So, Scarlet Letter पहले भी आया था, दोबारा आ गया था, important है, हाँ, repeat हो सकता question 1 से 2. So, here we are having So these are the questions जो आपको करने हैं for the first mock test series. बाकी करना क्या है आप लोग जानते हैं. Please channel को subscribe करना अगर channel को subscribe नहीं किया क्योंकि एक motivate tool पे गया था मेरे भी. Then अगर अच्छी लगी तो like जरूर करें यार. Share with the other people so that they too can watch and just work hard guys. सिर्फ एक महीना.